हाँ जी, इस्तांबुल आना चाहते हैं आप और उसको पूरी तरह घूमना चाहते हैं, ज़्यादा जगहें देखना चाहते हैं, खर्च कम करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस्तांबुल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। इतना मुश्किल नहीं है, बस इस वीडियो को आराम से देखें, आपको सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह इसको बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझने से पहले इस्तांबुल की ज्योग्राफी को समझना थोड़ा ज़रूरी है। इस्तांबुल एक ऐसी सिटी है जो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, और दो कॉन्टिनेंट्स, आधा इस्तांबुल यूरोप साइड में है और आधा इस्तांबुल एशिया में है। अच्छा जी, इस्तांबुल जाने वालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर वो फैमिली के साथ जा रहे हैं या वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उनको सुल्तान अहमद एरिया में रहना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में इस्तांबुल की बहुत सारी बेशतर अट्रैक्शंस वाक़ हैं, जैसे कि ब्लू मॉस्क, हैगिया सोफिया, बसिलिका सिस्टर्न, टोपकापी पैलेस। तो बड़े आसानी से अगर आप सुल्तान अहमद में रहेंगे तो फैमिली के साथ आप वॉक के थ्रू या ट्रैम के ज़रिए आप सारी ये अट्रैक्शंस, ग्रैंड बाज़ार वगैरह, स्पाइस बाज़ार वगैरह आसानी से विज़िट कर सकते हैं। दूसरा एरिया है तकसीम, जो कि तब रिकमेंडेड है जब आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हों दूसरी दफ़ा। सही है, फ्रेंड्स के साथ इसलिए क्योंकि यू नो फ्रेंड्स या कपल्स के लिए बड़ा आसान है, शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ पे आराम से वो शॉपिंग कर सकते हैं। इस्तकलाल स्ट्रीट के नाम से एक बहुत लंबी स्ट्रीट है, इस पर दोनों तरफ बेहतरीन बेशुमार शॉपिंग ऑप्शंस हैं, और ये स्ट्रीट एंड होती है गलाटा टावर के पास। तो इस्तांबुल में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सही है, जिसमें नेमली बसेस, टैक्सीज, मेट्रो, मरमरे, ट्रैम्स, फनीकुलर और फेरी बोट्स शामिल हैं। इस्तांबुल में अभी करंटली दो एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं, एक यूरोपियन साइड पे विच इज़ द न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट, और दूसरा है एशिया साइड पे सबीहा गोकचिन एयरपोर्ट, सही, वो एशियन साइड पे है। ज़्यादातर लोग आजकल न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आते हैं, लेकिन सबीहा गोकचिन पे जो फ़्लाइट्स आती हैं वो यूजली थोड़ी सी चीपर होती हैं। सही, पेगासस एयरलाइंस की ज़्यादातर फ़्लाइट सबीहा गोकचिन एयरपोर्ट पे आती हैं, जबकि टर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट दोनों एयरपोर्ट्स पे आती हैं। ज़्यादातर चांस ये है कि आप इस्तांबुल में वाया न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट लैंड होंगे। जब आप यहाँ पे लैंड हों तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एयरपोर्ट से ही दो चीज़ें ज़रूर परचेज कर लें, एक सिम कार्ड और दूसरा आपका इस्तांबुल कार्ड, जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कार्ड है। अच्छा, ये इस्तांबुल कार्ड जो होता है ना, ये बड़े मज़े की चीज़ होती है, इन द सेंस कि ये एक कार्ड होता है जो तकरीबन 6 लेरा का आपको मिलता है। ये एयरपोर्ट पे मौजूद किसी भी टिकट की मशीन से, यूजली येलो रंग की टिकट मशीन्स होती हैं, उनसे आपको मिल जाता है। और ये कि इससे आप सारे सिस्टम्स पे यूज़ कर सकते हैं, कि बसेस, फेरीज, ट्रैम्स, हर चीज़ पे ये चल जाता है, ये इस्तांबुल कार्ड। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप सिम कार्ड भी परचेज कर लें इस्तांबुल एयरपोर्ट से ही। अब सिम कार्ड परचेज करने के मतलब दो तीन ऑप्शंस हैं, दो तीन बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। मैं दो दफ़ा इस्तांबुल गया हूं तो मैंने हमेशा टर्कसेल यूज़ किया है, लेकिन आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि वोडाफोन भी है और टर्क टेलीकॉम भी है, इनमें से किसी की भी सिम आप ले सकते हैं। ठीक है, वोडाफोन टर्कसेल की जो सिम होती है ये तकरीबन 20 to 25 US dollars की होती है, जो कि यानी आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ती है। इसी तरह वोडाफोन की तकरीबन 2 हज़ार की पड़ती है, और टर्क टेलीकॉम की भी आप ले सकते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, एक बार आप एयरपोर्ट पहुंच गए, इस्तांबुल में लैंड हो गए, अब आपने एयरपोर्ट से जाना है। अब जब बात आती है एयरपोर्ट से अपने होटल या एयरबीएनबी पहुंचने की, तो उसके लिए द चीपेस्ट मेथड इज़ द हवाइस्ट बस, जो कि हवाइस्ट बस इस्तांबुल वालों की ऑफिशियल एयरपोर्ट बस है, जो कि शहर के वेरियस एरियाज़ में जाती है। आप हवाइस बस लेके आराम से तकसीम या सुल्तान अहमद पहुंच सकते हैं। तकसीम पहुंचने के लिए आई बिलीव आपको 14 नंबर की बस लेनी होती है। ठीक है, ये तकरीबन आपको 25 टर्किश लेरा की पड़ती है, तकरीबन 500 रुपये का इसका टिकट होता है एडल्ट्स का, और चिल्ड्रन का इससे भी कम है, और आई बिलीव 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए तो फ्री होती है हवाइस बस। ठीक है, और ये एरिया के बहुत, ये इस्तांबुल के बहुत सारे
इलाकों में जाती है, इसके स्टॉप्स होते हैं। बट आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर आप हवाई बस यूज़ कर रहे हैं तो फिर होटल भी ऐसा चूज़ करें जो हवाई बस के स्टॉप से करीब है, वरना फिर आपको स्टॉप पे पहुंच के फिर कोई टैक्सी लेनी पड़ेगी या अपने पीछे वॉक करेंगे तो सूटकेस लेके आपको काफ़ी चलना हो सकता है पड़े। जैसे कि मैंने बताया कि हवाई 14 नंबर की जो हवाई बस है ये न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट से ऑल द वे टू तकसीम जाती है, और ये तकरीबन 23 से 25 लिरा लेती है जो कि तकरीबन 500 रुपये के करीब बनता है। अब हम इस्तांबुल में मौजूद ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस्तांबुल एक्सप्लोर करने का सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका और अच्छा और आसान और चीप तरीका ये है कि इस्तांबुल को आप बाय फुट एक्सप्लोर करें, सही है, यानी वॉक करके आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं। सिटी सेंटर में ये बहुत आसान है करना, क्योंकि इस्तांबुल का सिटी सेंटर में चीज़ें करीब करीब हैं। स्पेशली अगर आप सुल्तान अहमद एरिया में अपना लेते हैं होटल, तो वहाँ से आप वॉक करके बहुत सारी अट्रैक्शंस बाय फुट जा सकते हैं, और वॉकिंग में ही बेसिकली आपको जो कल्चर, साइट्स एंड साउंड सबसे ज़्यादा अच्छी तरह डिटेल में आपको समझ आते हैं चीज़ें। तो वॉकिंग मेरा भी वन ऑफ माई फेवरेट तरीकाज है टू एक्सप्लोर इस्तांबुल। आपको सारी अट्रैक्शंस, कलर्स, साइट्स एंड साउंड्स नज़र आते हैं, कल्चर का आप सही फील करते हैं, जगह की वाइब आपको वॉकिंग के थ्रू सबसे बेहतर तरीके से समझ आती है। तो बेस्ट मैं ये करता हूँ कि जब भी किसी नई सिटी में पहुँचता हूँ तो सबसे पहले वॉक करके अपने होटल के करीब करीब के इलाके एक्सप्लोर करता हूँ। अच्छा, जहाँ इतने सारे प्रोज हैं तो इस्तांबुल में वॉक करने का एक कौन ये है कि स्पेशली जब आप तकसीम की तरफ जा रहे होते हैं वो काफ़ी स्लोप वाला एरिया है और रोड काफ़ी स्टीप हो जाती है, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या स्पेशली स्ट्रॉलर में बच्चे हैं तो काफ़ी सारी जगहें ऐसी होती हैं जो बाय फुट आप नहीं आसानी से जा सकते फिर आपको, लेकिन उस केस में आपके पास ट्रैम्स और दूसरे ऑप्शंस हैं। अच्छा, ट्रैम मेरा सेकंड फेवरेट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है इस्तांबुल में, इनके इसलिए क्योंकि इसमें आप बैठते हैं तो आपको पूरा अच्छा एक पूरा व्यू मिलता है, आप एक्सपीरियंस करते हैं सिटी को, और इनके स्टॉप्स जो हैं ये बसेस से काफ़ी कम होते हैं ट्रैम्स को, और ये पूरे सिटी सेंटर और तकसीम, सुल्तान अहमद, ये सारे काराकोई, ये सारे एरियाज़ को बड़े अच्छी तरह ट्रैम के सिस्टम ने कनेक्ट किया हुआ है, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, अब ट्रैम्स के बाद आते हैं हम मेट्रो सिस्टम के ऊपर। इस्तांबुल के मेट्रोज, ट्रेन्स जो हैं इस्तांबुल में बहुत सारी जगहों पे हैं, डिफरेंट लाइंस हैं इनकी। इनका सिर्फ अच्छी बात ये होती है कि इनके स्टॉप्स बड़े लिमिटेड और छोटे टाइम के लिए होते हैं, और आपको कोई मतलब ट्रैफिक या रोड पे रश की वजह से कोई किसी तरह मेट्रो सिस्टम इफेक्ट नहीं होता, बड़े टाइमली ट्रेन्स आती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि ये इस्तांबुल में काफ़ी नीचे की तरफ बनाई हुई हैं, यानी आपको कई सेट्स ऑफ स्टेयरकेसेस और एस्केलेटर्स उतर के यूजली मेट्रो ट्रेन तक आप पहुँचते हैं। ये थोड़ा बहुत इसके कॉन्स हैं, लेकिन जनरली तो मेट्रो सिस्टम भी एक अच्छा सिस्टम है, और इस्तांबुल कार्ड जैसे कि मैंने बताया मेट्रोज पे भी चलता है सब पे। अच्छा, मेट्रो में भी एक ख़ास किस्म की मेट्रो है जिसको मारमरे कहते हैं। ये मारमरे ट्रेन जो है बेसिकली इस्तांबुल के यूरोपियन साइड को एशिया से कनेक्ट करती है एंड वाइस वर्सा। ये जो टनल है मारमरे की जिसमें से मारमरे ट्रेन जाती है, ये अंडर वाटर है, यानी बॉस्पोरस के नीचे से जा रही होती है और ये समंदर के नीचे से जाके कनेक्ट करती है। अच्छा, इस्तांबुल एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और इसकी खूबसूरती में एक मेजर वजह इसकी वाटरवेज और बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो इसके बीच में है। बॉस्फोरस के ऊपर बहुत सारी फेरीज चलती हैं, इस्तांबुल का फेरी सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, और ये फेरीज एक बहुत ही सीनिक और ब्यूटीफुल वे होती हैं टू क्रॉस फ्रॉम यूरोप टू एशिया साइड, सही है। ये तकरीबन आपको 1.5 टर्किश लिरा यानी तकरीबन 30 रुपये में आप यूरोप से एशिया आ सकते हैं। इससे सस्ता कुछ नहीं देखा मैंने, मतलब 1.5 लिरा में फेरी के थ्रू एक ब्यूटीफुल जर्नी एक्सपीरियंस करते हुए आप यूरोप से एशिया आ सकते हैं।
इसके डिफरेंट पोर्ट्स हैं, एमिनुनु पोर्ट बड़ा पॉपुलर है, फिर कबाताश है, फिर एशिया साइड पे गाडिकोए है, सही है, उस्कुदर है, इस तरह करके। अच्छा, इस्तांबुल के बाहर बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनमें से एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को एडलर आइलैंड्स या फिर प्रिंसेस आइलैंड्स कहा जाता है। सही है, तो प्रिंसेस आइलैंड आप टूर लेके भी जा सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, मतलब 5-6 हज़ार रुपये पर पर्सन तकरीबन वो पड़ता है। लेकिन इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप रेगुलर फेरी लेकर प्रिंसेस आइलैंड पहुँचें, तो इसमें आपके तकरीबन 5.5 से 7 टर्किश लिरा यानी 100-150 रुपये में आप आसानी से पहुँच सकते हैं प्रिंसेस आइलैंड, किसी भी पोर्ट से, कबाताश से या एमिनुनु पोर्ट से आप आराम से प्रिंसेस आइलैंड पहुँचें, अपने हिसाब से पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करें आराम से। बेशक कोई बाइक रेंट कर लें या इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट करें और उसको आराम से एक्सप्लोर करें, आइसक्रीम खाएं, छोटी छोटी खूबसूरत गलियां और दुकानों को एक्सप्लोर करें प्रिंसेस आइलैंड में। अच्छा जी, अब आते हैं बसेस पे। बसेस का ये फ़ायदा है कि उनका नेटवर्क सबसे बड़ा है और ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे मेट्रो या ट्रैम नहीं जाते वहाँ पे बसेस पहुँच जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बसेस का ये मसला है कि इनके बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं, रिलेटिवली क्राउडेड होती हैं और ये कि रुक रुक के स्लो तरीके से पहुँचती हैं, तो इसलिए बस को मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा इस्तांबुल में। अच्छा जी, टैक्सीज पे आते हैं, टैक्सीज इन इस्तांबुल। सही, ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है क्योंकि टैक्सी वाइल काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं टैक्सीज, आपको टैक्सी ड्राइवर भी इस्तांबुल के काफ़ी दफ़ा चांस होते हैं कि लूट लें, ठीक है। लेकिन अगर आप मीटर के हिसाब से जाएंगे तो कम चांस है कि मतलब कोई आपके साथ गलत चीज़ होगी और प्रॉपरली आप सही तरह पहुंच जाएंगे। हैविंग सेड दैट, एक यूज़फुल चीज़ जो मैंने डिस्कवर की, एक बाई टैक्सी या बे टैक्सी एक ऐप है जो कि उसमें आप आराम से करीम या उबर की तरह की ऐप है या आप यूज़ करके टैक्सी कॉल कर सकते हैं। इसमें ये कि आपको रेट्स पता चल जाते हैं। मैं नॉर्मली ये करता था कि बिटैक्सी से रेट फाइंड करके जो भी सामने टैक्सी अवेलेबल होती थी उसको यूज़ कर लेता था, क्योंकि अगर बिटैक्सी से कॉल करते हैं तो फिर हो सकता है वो ड्राइवर दूर हो और आने में टाइम लगे, इसलिए बेहतर ये है कि एक अंदाज़ा लगा लें कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का कितना किराया लगेगा और फिर ये कि आप बेशक कोई भी आपके इजी एक्सेस में जो टैक्सी हो उसको आप ला लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये चेक किया था कि सुल्तान अहमद से तकसीम जाने के लिए 27 से 30 लिरा लेते हैं, तो ये कि लेट्स अगर आपसे कोई टैक्सी वाला कहे कि जी मुझे 50 लिराज लूँगा या 40 लिराज लूँगा, तो आपको एक आइडिया होगा तो आप आसानी से उससे बार्गेन कर सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं मान रहा तो फिर नेक्स्ट टैक्सी वाले का वेट कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि बिटैक्सी डाउनलोड कर लें। इसके अलावा गूगल का जो है बहुत आप आराम से इस्तेमाल करें और कसरत से इस्तेमाल करें, बिकॉज़ गूगल आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, वो पूरा आपका राउट बता देता है कि कौन सी जगह जाने के लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ, roam2rio.com, तो roam2rio भी आपको बेसिकली टैरिफ्स और रेट्स के साथ एक अंदाज़ा दे देती है कि कौन सी जगह जाने का चीपेस्ट मेथड कौन सा होगा और किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिंक्स वगैरह मैं नीचे जो है अपनी वीडियो के दे दूँगा आपको। एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचने का एक एक्सपेंसिव बट परहैप्स सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन ये है कि आप एयरपोर्ट ट्रांसफ़र ले लें। ये सबसे महंगा ऑप्शन इसलिए रहेगा क्योंकि यूजली ये 50-70 यूरो कॉस्ट करता है आपको, लेकिन इसके अंदर आपके पास एक शोफर ड्रिवन फिर कार या वैन आती है जो कि यूजली मर्सिडीज होती है। अच्छा जी, अब मैं बेसिकली डिस्कशन करूँगा कि इस्तांबुल में डिफरेंट अट्रैक्शंस कहाँ हैं और उन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। सही है, इस्तांबुल में सबसे पहले तो सुल्तान अहमद एरिया, इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाय फुट और बाय ट्रैम ट्रैवल करें, और सुल्तान अहमद में आपको ये 6-7 अट्रैक्शंस मिल जाएंगी। आपको हैगिया सोफिया मिल जाएगा, ब्लू मॉस्क मिल जाएगी उसी के सामने, फिर करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे एक स्टॉप दूर है टोपकापी पैलेस और गुलाने पार्क, इसी तरह करीब में ही है बसिलिका सिस्टर्न, ग्रैंड बाज़ार भी वॉक करके पहुंच सकते हैं, और स्पाइस बाज़ार है वहाँ, और स्पाइस बाज़ार के इर्द गिर्द एमिनुनु मार्केट या इजिप्शियन मार्केट है।
अच्छा जी, अब अगर आप फ़र्ज़ करें सुल्तान अहमद बिनी कैरकोय एरिया में रह रहे हैं, तो कैरकोय एरिया से भी बड़े आराम से आप पहुंच सकते हैं तकसीम एरिया के लिए। एक ऑप्शन जो मैंने पहले डिस्कस नहीं की है वो है फनीक्यूलर की ऑप्शन। फनीक्यूलर बेसिकली एक ट्रेन या मेट्रो की तरह ही होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि फनीक्यूलर यूजली एक लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रही होती हैं या हायर लेवल से लोअर लेवल पे, यानी स्लोप्स को चढ़ रही होती हैं। ये थोड़ी सी समझें हॉरिजॉन्टल ट्रेन्स नहीं होती, थोड़ी सी चढ़ाई पर चढ़ रही होती हैं ये ट्रेन्स। ठीक है, तकसीम एरिया में आपको मिल जाएगा जी तकसीम स्क्वायर मिल जाएगा, इस्तकलाल स्ट्रीट जो सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है वो मिल जाएगी आपको, गलाटा टावर गलाटा ब्रिज मिल जाएगा। और इसके लिए भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये इस एरिया में भी या वॉक करें या फनीकुलर के थ्रू यहाँ पहुँच जाएँ, और फिर जो नॉस्टैल्जिक ट्रैम इस्तकलाल स्ट्रीट पर चलती है एक एंड से दूसरे एंड तक, उसको भी यूज़ करें, वो बड़ा एक अच्छा तरीका रहेगा। अच्छा, ये तो अट्रैक्शंस वो हो गई जो कुछ एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसके अलावा कुछ अट्रैक्शंस इस्तांबुल में स्कैटर्ड भी हैं, जिसमें अयूब सुल्तान मॉस्क है जहाँ पे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टॉम है। इसके अलावा वहाँ पे पीर लोटे हिल है जो बड़ा अच्छा एरिया है ऊंचाई पे, जहाँ पे केबल कार के थ्रू जाते हैं और आप वहाँ से पूरा इस्तांबुल देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत मॉस्क पोर्टोकॉय में है, उसके अलावा डुम्बालशे पैलेस है, ठीक है, मीना अतातुर्क म्यूज़ियम है जहाँ पे मिनीचर मॉडल्स हैं डिफरेंट चीज़ों के, इस्तांबुल एक्वेरियम है, एक्वा फ्लोरियम मॉल है, एमिग्रैन पार्क है। सारी अट्रैक्शंस के नाम मैं नीचे एज अ लिस्ट मेंशन कर दूंगा, तो आप आसानी से वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इनको देख सकते हैं और इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, एशिया साइड पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फेरी लेके कैडेकॉय पहुँचें और वहाँ से करीबी वाक़े मोडा एरिया विज़िट करें। ट्यूसडेज़ को वहाँ पे बहुत बड़ा मंगल बाज़ार लगता है, साली बाज़ारी भी कहते हैं इसको, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, तो अगर आपको इस तरह की बार्गेन्स अच्छी लगती हैं तो वो एरिया भी मैं रिकमेंड करूँगा विज़िट करने का। अच्छा, इसके अलावा मैं अट्रैक्शंस में कुछ मॉल्स के नाम भी ले लेता हूँ, क्योंकि यूजली आप जाते हैं तो मॉल्स भी जाते हैं, स्पेशली फैमिली के साथ होते हैं तो मॉल से वापसी पे शॉपिंग भी होती है। इस सूरत में काफ़ी केसेस में टैक्सी से आना बेहतर रहता है। अच्छा, मॉल्स में मैं कुछ मॉल्स के नोटवर्दी मॉल्स के नाम लूँगा, जैसे जवाहर मॉल या इसको कवाहिर मॉल ये लोग लिखते हैं, क्योंकि सी को बेसिकली ये जे प्रोनाउंस करते हैं, और जवाहर मॉल के पास आपको मेट्रो भी मिल जाएगी और आराम से आप बस से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा मॉल ऑफ इस्तांबुल है जो कि ज़रा दूर है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स परहैप्स ऑफ इस्तांबुल। और इसके अलावा और भी मॉल्स हैं, ज़ोरलू सेंटर है, ठीक है, इस्तानिया पार्क है, एक्वा फ्लोरिया मॉल एक बड़ा अच्छा मॉल है जिसके साथ इस्तांबुल एक्वेरियम है, तो ये भी अगर आप फैमिली के साथ हैं बच्चों के साथ हैं तो इसको एक्सप्लोर डेफिनेटली कर सकते हैं। और एशिया साइड पे एक नॉटलस मॉल भी है जो कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल। ठीक है, तो ये बात हो गई इस्तांबुल की मेजर अट्रैक्शंस की, ज़ाहिर है एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी जगहें हैं जो देख सकते हैं, बहुत मतलब खूबसूरत और अच्छी बड़ी सिटी है इस्तांबुल और हिस्टोरिक सिटी है, आप इसको आराम से अच्छी तरह टाइम लेके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई इवन आप 10 दिन भी इस्तांबुल में अगर एक्सप्लोर करते रहें तो रोज़ किसी नई जगह पे जा सकते हैं, ऐसी सिटी है इस्तांबुल। आई होप आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको इससे इस्तांबुल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किस तरह आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करके इस्तांबुल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं और इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप इससे आप इनक्रेज हों कि ट्रैवल करें ज़्यादा और एक्सप्लोर करें ज़्यादा, और प्लीज़ याद से मेरे चैनल चिराग लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कॉमेंट्स शेयर करें नीचे दिए गए सेक्शन में कि आप आगे किस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, और मेरी वीडियोस को लाइक करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अपना